Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने SR फ्लिप फ्लॉप पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो SR फ्लिप फ्लॉप हमने पूरा डिटेल में देख लिया था। अभी इस वाले एपिसोड में हम लेवल एंड एज ट्रिगरिंग के बारे में बहुत डिटेल में बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेवल एंड एज ट्रिगरिंग में आपको बहुत डाउट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं। इसीलिए लेवल एंड एज ट्रिगरिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसीलिए पूरा एपिसोड ये मैं शूट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अभी लेवल एंड एज ट्रिगरिंग। तो लेवल एंड एज ट्रिगरिंग में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लेवल ट्रिगरिंग कैसे रिप्रेजेंट करें, व्हाट इज द एज ट्रिगरिंग, उसका मीनिंग क्या है। एज ट्रिगरिंग में पॉजिटिव एज ट्रिगर कैसे रिप्रेजेंट करें, निगेटिव एज ट्रिगर कैसे रिप्रेजेंट करें, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर निगेटिव लेवल ट्रिगर कैसे रिप्रेजेंट करें, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से हम डिटेल में यहाँ जानने वाले, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखो लेवल ट्रिगरिंग क्या होता है। लेवल ट्रिगरिंग सर्किट अगर मैंने बनाया है, मतलब देखो आपकी तरह यहाँ मैं क्या करता हूँ, 4 यहाँ SR फ्लिप फ्लॉप में बना देता हूँ और अलग अलग टाइप से उसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मतलब देखो यहाँ SR फ्लिप फ्लॉप आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं SR इनपुट और आपके पास आउटपुट है क्यू क्यू बार आउटपुट, ठीक है। SR इनपुट एंड क्यू क्यू बार आउटपुट आपके पास है और क्लॉक है आपके पास, ठीक है। तो क्लॉक है और ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ, मतलब क्लॉक, आप क्लॉक से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करें। अलग अलग टेक्स्ट बुक में आपको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा, लेकिन फिर वहां आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट है कि निगेटिव लेवल ट्रिगर सर्किट है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ। सेकंड रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो सेकंड रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा हो सकता है। एस आर मैंने इनपुट दिया, वो तो एज इट इज आपका सेम होगा, बराबर है, और आउटपुट आपका होगा क्यू क्यू बार, ठीक है। और क्लॉक से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ क्लॉक को हम बबल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लॉक को मैंने बबल प्रोवाइड कर दिया, उसके ऊपर एक बार डाल देंगे, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये SR फ्लिप फ्लॉप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अंदर जो होता है आपका NAND गेट और हमारा जो लैचेस हमने पढ़े थे NAND लैच NOR लैच, तो वो सारी अंदर की सर्किटरी है, वो मैं यहाँ निकाल नहीं रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैं एक बॉक्स टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से देखो, अभी देखो ये SR इनपुट और एक कॉम्बिनेशन में बनाता हूँ। SR कॉम्बिनेशन है, यहाँ हम क्लॉक प्रोवाइड करते हैं, तो क्लॉक प्रोवाइड किया तो यहाँ एक बबल लगा दिया, इसके ऊपर यहाँ बार लिया था, अभी मैं बार नहीं रहता हूँ, इसका क्या होगा वो भी बताऊंगा। फिर और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, और कॉम्बिनेशन आपका ये बन सकता है कि आपने क्लॉक तो एज इट इज क्लॉक का इनपुट एज इट इज अप्लाई किया, मतलब SR इनपुट ये आपका हो गया, आउटपुट तो दो होते ही आपके क्यू क्यू बार आउटपुट, और एज इट इज आपने क्लॉक का इनपुट अप्लाई किया लेकिन इसके ऊपर आपने बार लिया। अभी देखो ये 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहे, तो आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा आपका लेवल ट्रिगर है सर्किट है, आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट है, कौन सा निगेटिव लेवल ट्रिगर सर्किट है। तो लेवल ट्रिगर SR फ्लिप फ्लॉप हम इस 4 तरह से दिखा सकते, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फिर कि ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है कि निगेटिव लेवल ट्रिगर है, तो वो भी आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से, बराबर है। तो S एंड R इनपुट सभी जगह आपके सेम टू सेम अप्लाइड है, यहाँ 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 चारों यहाँ आपके SR इनपुट तो वैसे के वैसे ही अप्लाइड है, लेकिन हमें डिफरेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें डिफरेंस ये क्लॉक जब हमने अप्लाई किया है, तो यहाँ देखो क्लॉक आपने अप्लाई किया, यहाँ क्लॉक का बार लिया, बाहर बबल लिया, यहाँ बबल लिया, यहाँ नहीं लिया, तो ऐसे आप डिफरेंशिएट यहाँ हो रहा है, तो यहाँ से आपको कुछ क्ल्यू लगेंगे। देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था, आपको एक एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि क्लॉक को अगर मैंने नॉट गेट से पास कर दिया, सबसे पहले शायद मैंने आपको बताया होगा ये, तो मतलब SR फ्लिप फ्लॉप का फर्स्ट एपिसोड था, वहां मैंने आपको बताया था कि क्लॉक को अगर आपने एक नॉट गेट से पास कर दिया तो अलग आपका कॉम्बिनेशन आ रहा था, वो निगेटिव लेवल ट्रिगर सर्किट बन रहा था, और अगर नॉट गेट से क्लॉक को मैंने पास नहीं किया तो वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट आपका बन रहा था, आपको पता होगा, ठीक है, अच्छे से अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो यहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते। तो यहां देखो ये तो पूरा आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट है। देखो एक बात अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए याद में रखो कि अगर आपको कहीं पर भी बबल या तो फिर क्लॉक के ऊपर बार ऐसा कुछ दिखाई दे, एक तो बबल इनपुट लाइन में बबल नहीं तो क्लॉक के ऊपर बार, ऐसा कुछ भी अगर आपको दिखाई दे कॉम्बिनेशन में,
तो समझ लेना कि वो निगेटिव लेवल ट्रिगर आपका फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। अगर मेरा फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी आपको बबल दिखाई दे, नहीं तो क्लॉक के ऊपर कोई बार दिखाई दे, ऐसा कुछ भी अगर ऑकर होता है किसी सर्किट में आपको दिखता है, तो वो निगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप रहेगा। और अगर बार बबल कुछ भी नहीं है, क्लॉक के ऊपर बार नहीं है और बबल भी नहीं, कुछ भी अगर दिखाई नहीं देता है आपको, तो वो आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट होगा। तो फर्स्ट वाला डायरेक्टली लिख रहा है कि ये आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट है, क्लॉक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक इनपुट पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट में क्या होता है ये भी आपको पता है। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट पे पॉजिटिव जो लेवल होती है, मतलब 0 लेवल और 1 लेवल, 2 लेवल रहती है, बराबर है। तो 1 लेवल पे आपका सर्किट एक्टिवेट होगा, मतलब 1 लेवल पे क्लॉक जब आपका 1 होगा तब एस एंड आर इनपुट की करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट क्यू एंड क्यू बार में चेंजेस दिखाई देगा। आपको ये डिटेल में मैंने पढ़ाया था एस आर फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। और अगर आपका क्लॉक का इनपुट 0 हो जाता है, मतलब क्लॉक अगर 0 है, मतलब आपका जो वेवफॉर्म है क्लॉक का, जो हमने क्लॉक साइकिल ड्रॉ किए उसमें 1 जब आप ड्रॉ करेंगे तो 1 के लिए एसआर के अकॉर्डिंग आउटपुट में पास होगा क्यू, क्यू बार आपको आउटपुट दिखाई देगा एसआर के अकॉर्डिंग। लेकिन क्लॉक की लेवल अगर 0 हो जाती है तो नहीं दिखाई देगा। ये आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप था। अभी यहां देखो, यहां हमने यहां बबल आपको दिखाई दे रहा है, क्लॉक के ऊपर बार है, यहां एक बबल दिखाई दे रहा है, क्लॉक के ऊपर बार नहीं है लेकिन बबल तो दिखाई दे रहा है। यहां आपकी इनपुट लाइन तो आपको डायरेक्टली दिखाई दे रही है बबल, बिना बबल की है, बराबर है, लेकिन इसके ऊपर बार है क्लॉक के ऊपर। तो ये तीनों के तीनों आपके निगेटिवली लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हो गए, बराबर है। ये अकेला ही ऐसा हो गया कि ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, बाकी ये तीनों निगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप आपको दिखाई देंगे, क्योंकि निगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप में बबल या तो फिर क्लॉक के ऊपर बार ऐसा कुछ अगर आपको दिखाई देता है तो वो आपका क्या होता है, निगेटिवली लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होता है। ये मैंने आपको बता दिया था तो अच्छे से आपको पता चल गया होगा ये लॉजिक, ठीक है। तो देखो, आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको अभी बता दिया, बराबर है। तो ये कौन सा है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। तो पहला लिख लो आप आपके नोटबुक में, चारों कॉम्बिनेशन ये ड्रॉ करो। पहला कौन सा लिखो, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। ये निगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, ये निगेटिव लेवल ट्रिगर है और ये भी निगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। तो यहां से आपको सारा अच्छे से लॉजिक पता चल गया। तो ये क्लॉक से ही हम डिसाइड करेंगे, क्लॉक से ही रिप्रेजेंट होगा कि ये फ्लिप फ्लॉप आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगर है कि निगेटिव लेवल ट्रिगर है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का सिर्फ तरीका है जो आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई देता है। किसी टेक्स्ट बुक में ऐसा रिप्रेजेंट होगा निगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, किसी टेक्स्ट बुक में ऐसा रिप्रेजेंट करेगा। अब आप कहेंगे कि यहां बबल भी और क्लॉक के ऊपर बार भी है, बराबर है, यहां बबल भी और क्लॉक के ऊपर बार भी है, तो यह तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अपना दिमाग आपको यहां लगाना ही नहीं है। एक बात सिर्फ हमेशा ध्यान में रखो, अगर आपको बार या बबल कुछ भी दिखाई दे तो सीधा आप कह देना कि वो निगेटिवली लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। इससे अतिरिक्त आपको कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों निगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि बार या तो फिर आपको बबल कुछ ना कुछ यहाँ दिखाई देगा, तीनों सर्किट में दिखाई दिया तो ये निगेटिवली लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप आपके बन गए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का सिर्फ तरीका है, ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे करो या ऐसे करो। तो क्वेश्चन में कैसे भी दे सकते हैं आपको घुमाने के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरा आपको कॉम्बिनेशन ड्रॉ करके यहां बता दिया। तो अच्छे से अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लॉक ही आपकी सब कुछ डिसाइड करती है, ये आपको यहां समझ में आ गया होगा। वो तो मैंने पहले बता दिया था एसआर फ्लिप फ्लॉप में कि क्लॉक का इनपुट ही सब कुछ डिसाइड करता है। अगर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है तो क्लॉक का इनपुट अगर आपका 1 होगा तो ही आपका सर्किट काम करेगा, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंजेस दिखाई देंगे। अगर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप में आपका 0 है क्लॉक, तो फिर 0 लेवल पे आपका ये काम नहीं करेगा, सर्किट एक्टिवेटी नहीं होगा। इस एसआर अकॉर्डिंग, एसआर इनपुट के अकॉर्डिंग आपको ये क्यू क्यू बार आउटपुट में कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। वैसे सिमिलरली निगेटिवली लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप में अगर यहाँ आपका क्लॉक अगर 0 सिग्नल पास करता है, मतलब क्लॉक का इनपुट अगर 0 हो जाता है, या तो फिर 0 लॉजिक में जो आपकी क्लॉक साइकिल होती है, या आपकी मान लो ये क्लॉक साइकिल है, तो इस क्लॉक साइकिल में
आपकी जो जीरो लेवल है ये जीरो लेवल होती है, बराबर है। तो ये जीरो लेवल में आपका सर्किट एक्टिवेट हो रहा है निगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप में, बराबर है। क्योंकि जीरो आपके लिए निगेटिव लेवल हुई, क्योंकि वन आपकी पॉजिटिव लेवल है, बराबर है। तो वन के लिए ये निगेटिवली लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, इसलिए अगर क्लॉक सिग्नल वन होता है तो वन लेवल के लिए पूरा ये सर्किट डीएक्टिवेट होगा। एस एंड आर के अकॉर्डिंग आउटपुट में कोई चेंजेस दिखाई नहीं देगा। अभी ये क्लॉक की जो साइकिल है यही तो आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ जो आप साइकिल प्रोवाइड कर रहे हो, क्लॉक का इनपुट आप लगाते हो तो वो कहाँ से लगाएंगे? क्लॉक जनरेटर से आप क्लॉक का इनपुट प्रोवाइड करेंगे। तो ये ऐसी वेवफॉर्म आपने जनरेट की थी। सबसे पहले मैंने आपको ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बाय यूजिंग नॉट गेट जब पढ़ाया था, तो देखो वहां हमने ऑड नंबर ऑफ गेट्स को लगाकर एक ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यहां फॉर्म किया था। कितने भी ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स हम वेरी कर रहे थे और उसके हिसाब से हम डिले चेंज कर रहे थे, लेकिन ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स लगाकर हम ऐसा ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का आउटपुट जनरेट कर रहे थे, बराबर है। तो ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का आउटपुट ही हमारे लिए काम में आएगा, क्लॉक जनरेटर का आउटपुट वो होगा, सॉरी इनपुट होगा, मतलब क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए क्लॉक जनरेटर का वो आउटपुट रहेगा जो अभी इस क्लॉक के इनपुट में जाएगा। इसीलिए ये वेवफॉर्म आपको वहां क्लॉक जनरेटर से ही मिलेगी और वो एक तरह से आपका पूरा ये ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग नॉट गेट की तरह ही काम हो रहा है। यहां से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। तो पॉजिटिवली लेवल ट्रिगर एंड निगेटिवली लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप कैसे आइडेंटिफाई करें, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया यहां, बराबर है। तो फिर यहाँ डिफरेंस क्या है, लेवल एंड एज ट्रिगरिंग में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो अगर आपको ऐसा कुछ साइन दिखे, यहां एज जैसा साइन दिखे, मतलब यहां देखो यहां एज जैसा साइन दिखाई दे रहा है, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका पूरा एज ट्रिगर है। मतलब पॉजिटिवली एज ट्रिगर सर्किट, निगेटिवली एज ट्रिगर सर्किट कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज जैसा साइन अगर आपको यहाँ दिखाई देगा हर बार तो फिर आप कहेंगे कि ये एज ट्रिगर सर्किट है। तो एज ट्रिगर सर्किट में भी टाइप होंगे आपके, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, निगेटिव एज ट्रिगरिंग, दो टाइप से, बराबर है। तो पॉजिटिवली एज ट्रिगर सर्किट या तो फिर निगेटिवली एज ट्रिगर सर्किट, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको पता है, बराबर है। तो फिर एज ट्रिगरिंग अलग है, लेवल ट्रिगरिंग अलग है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि अगर आपको ऐसा सिंबल एज का दिखाई दे यहाँ, तो फिर वो एज ट्रिगरिंग का सर्किट हो जाएगा, वहां वो लेवल ट्रिगर सर्किट नहीं रहेगा फिर। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं अलग से वो डायग्राम ये चारों एज ट्रिगर सर्किट के लिए ड्रॉ करता हूं और आपको वो बताता हूं अच्छे से, ठीक है। तो देखो अभी देखो एज ट्रिगर सर्किट के लिए मैं चार डायग्राम्स ड्रॉ करता हूँ, यहाँ भी ये कॉम्बिनेशंस आपके हो सकते हैं। जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए मैं ड्रॉ किया मैंने लेवल ट्रिगरिंग के चार कॉम्बिनेशन, कैसे भी आप आइडेंटिफाई वहां से ही करेंगे, तो यहाँ भी वैसे ही चार कॉम्बिनेशंस मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो मैंने अभी किए थे, बराबर है। तो दो इनपुट तो आपके सेम होंगे, ये एसआर इनपुट, ये भी एसआर इनपुट और ये भी एसआर इनपुट, बराबर है। तो एसआर इनपुट तो सेम है हर एक फ्लिप फ्लॉप को, मतलब आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए एसआर इनपुट तो सेम रहेंगे, बराबर है। तो डिफरेंस कहाँ आएगा, क्लॉक में आएगा, बराबर है। आउटपुट भी सेम रहेंगे, ये दोनों आउटपुट लाइंस आपकी क्यू क्यू बार वो ऐसी रहेगी, बराबर है। तो वो भी मैं ड्रॉ करता हूँ, क्यू क्यू बार, ये क्यू क्यू बार, ठीक है, ये भी क्यू क्यू बार और ये भी क्यू क्यू बार। तो देखो यहाँ डिफरेंस क्या है, क्लॉक में डिफरेंस है। मतलब यहाँ देखो अभी क्लॉक आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ एज है, एज बन रहा है, एज जैसा अगर सिंबल आपको दिखे तो वो क्लॉक आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और एज जैसा सिंबल ऐसा अंदर आपको दिखे तो वो एज ट्रिगर सर्किट होगा। अभी वो पॉजिटिवली एज होगा कि निगेटिव, वो कैसे आइडेंटिफाई करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इतना ध्यान रखो अभी तक कि ऐसा कोई सिंबल दिखाई दे एज जैसा, तो फिर वो डेफिनेटली एज ट्रिगर सर्किट होगा, वो फिर लेवल ट्रिगर सर्किट नहीं रहेगा, इतना ध्यान में रखो। अभी यहां से देखो, यहां एज जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है, यहां मैं दे देता हूं क्लॉक के ऊपर बार दे देता हूं, ठीक है। यहां से भी मैं एज का सिंबल लेता हूं, तो ये एज ट्रिगर सर्किट बना, यहां क्लॉक के ऊपर भी बार देता हूं यार, यहां बबल भी लगा देता हूं। और एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, यहां मैं क्लॉक एज का सिंबल देता हूं, पहले एज का सिंबल मैंने दिया और अभी क्लॉक के ऊपर बार नहीं लेता हूं, लेकिन यहां बबल लगा देता हूं,
तो अभी देखो यहाँ ऐसा ही होगा जैसा मैंने लेवल ट्रिगर सर्किट के लिए आपको बताया। एस ट्रिगर सर्किट में पॉजिटिव एस ट्रिगर सर्किट एंड निगेटिव एस ट्रिगर सर्किट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? अगर आपको कहीं भी बबल या बार दिखाई दे तो वो डेफिनेटली निगेटिवली एस ट्रिगर सर्किट होगा, बराबर है। अगर आपको कहीं भी बबल या बार दिखाई दे किसी सर्किट में तो वो निगेटिवली एस ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होगा। लेकिन अगर बबल या बार कुछ भी दिखाई नहीं दे, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ ये कौन सा है? ये पॉजिटिवली एज ट्रिगर सर्किट है। और एज ट्रिगर सर्किट कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इस एज के साइन से। ये एज की साइन जो आपको डिफाई दे रही है, ये एज आ रहा है, बराबर है, एज की साइन है, तो ये एज ट्रिगर सर्किट है। यहाँ बार या तो बबल कुछ भी नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिवली एज ट्रिगर सर्किट है। यहाँ बार भी है, नहीं बार नहीं है क्लॉक के ऊपर, लेकिन बबल है, तो ये आपका निगेटिवली एज ट्रिगर सर्किट हुआ। ये यहाँ क्या है? क्लॉक के ऊपर बार है, यहाँ बबल नहीं है, लेकिन क्लॉक के ऊपर बार होने की वजह से ये भी निगेटिवली एज ट्रिगर सर्किट हुआ। यहाँ बबल भी और क्लॉक के ऊपर बार भी है, तो दोनों भी दिखाई दे फिर भी वो कौन सा है? निगेटिवली एज ट्रिगर सर्किट है। इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पॉजिटिवली एज ट्रिगर सर्किट ये फर्स्ट वाला है, बाकी के ये सारे आपके निगेटिवली एज ट्रिगर सर्किट है। तो अच्छे से आप वो मेंशन करना आपके नोटबुक में, अगर आपने ये चारों कॉम्बिनेशन ड्रॉ किए होंगे तो। ये मैंने क्यों ड्रॉ किए? क्योंकि क्वेश्चन में कैसा भी रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे, वहां से अच्छे से आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये पॉजिटिवली एज ट्रिगर सर्किट है कि निगेटिवली एज ट्रिगर सर्किट है। अभी एज ट्रिगर सर्किट क्या होता है? लेवल ट्रिगर तो आपको समझ में आ गया कि लेवल ट्रिगर सर्किट में हमने क्या किया था, कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगर हमने कब बताया था? जब आपकी क्लॉक की जो वैल्यू होती है, मतलब देखो ये क्लॉक साइकिल आपको दिखाई दे रही है, ऐसी क्लॉक साइकिल क्लॉक जनरेटर से प्रोड्यूस होती है, वो आप प्रोवाइड करते हैं क्लॉक की इनपुट को, बराबर है। तो यहां अगर पॉजिटिवली लेवल ट्रिगर सर्किट में, अगर जब आप लेवल ट्रिगरिंग हमने अभी पढ़ी, वहां पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में क्या हो रहा था? ये पूरा पॉजिटिव लेवल के लिए आपका सर्किट एक्टिवेट हो रहा था, एस एंड आर के अकॉर्डिंग क्यू एंड क्यू बार आउटपुट आपको मिल रहे थे। और जब आपका जीरो हो रहा जा रहा था लेवल पॉजिटिवली लेवल ट्रिगर सर्किट पे, तो जीरो आपका लेवल जब हो जा रहा था, वहां एस एंड आर के अकॉर्डिंग कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होता था, वहां सर्किट आपका पूरा डीएक्टिवेटेड था, बराबर है। ऐसा हो रहा था पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट में। निगेटिव लेवल ट्रिगर सर्किट में हमने क्या बताया? वहां क्या हो रहा था? निगेटिव जब आपकी लेवल आएगी पूरी, तो पूरे निगेटिव लेवल में आपका सर्किट एक्टिवेट था, एस एंड आर के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट क्यू एंड क्यू बार मिलता था निगेटिवली लेवल ट्रिगर सर्किट पे। और निगेटिव लेवल ट्रिगर सर्किट में ही जब पॉजिटिव लेवल आती थी, तब एस एंड आर के अकॉर्डिंग कोई आउटपुट जनरेट नहीं होता था, वहां सर्किट एक्टिवेट ही नहीं होता था। मतलब चाहे आप कौन सा भी इनपुट अप्लाई करो, आउटपुट जो पहले था वही होल्ड हो रहा था, अगर आप वहां पॉजिटिव लेवल अप्लाई करते तो, निगेटिव लेवल ट्रिगर सर्किट के लिए, बराबर है। तो ऐसा हो रहा था, बराबर है, ये तो आपको पता चल गया यहां से। तो अभी एज ट्रिगर सर्किट ये जो हमने बनाए चारों, तो यहाँ पॉजिटिव एंड निगेटिव एज ट्रिगर क्या होता है, एज ट्रिगरिंग क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉजिटिव एंड निगेटिव एज ट्रिगर क्या होता है। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि कोई चीज जीरो से वन ऐसी जा रही है, बराबर है, ये ज्यादा ही हो गया स्लो, ऐसी जीरो से वन अगर कोई चीज जा रही है, तो मतलब ये जीरो से वन अगर ऐसी पास हो रही है, ऐसी स्लोप अपवर्ड आपको दिखाई दे रहा है, मतलब लो लेवल टू हाई लेवल, निगेटिव लेवल टू पॉजिटिव लेवल, ऐसा अपवर्ड अगर स्लोप आपको दिखाई दे, स्लोप मतलब ऐसा थोड़ा स्लोप जैसा, मतलब ऐसा आपकी जो ये आपकी एज होती है, कहने का मतलब है जीरो से वन आपको जाते हुए जो दिखाई देगा, तो वो ये क्या हुई, आपकी पॉजिटिव एज हुई। पॉजिटिव एज क्यों हुई? क्योंकि लोअर लेवल टू हायर लेवल ऐसी एज अपर जा रही है, कोई चीज ऐसी ऊपर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है वेवफॉर्म में, तो वो पॉजिटिव एज होगी, बराबर है। मतलब जीरो से वन ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, बराबर है। जीरो से वन अगर हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो होगा हमारा पॉजिटिव एज, इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली एज ट्रिगर। तो ऐसा आपको कहां मिल रहा है? एक्चुअल में हम तो देख रहे हैं कि ये एज तो ऐसी आपको सडन जाती हुई दिखाई दे रही है, ये एक तरह की एज ही है। तो ये देखो, ये जो एज आपको दिख रही है एक्चुअल में, ये तो पूरी सडन आपको एज ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती हुई दिखाई दे रही है, बराबर है। लेकिन प्रैक्टिकली ये ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाती,
प्रैक्टिकली अगर हमने देखा तो जीरो से वन जाने के लिए ऐसी डायरेक्टली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी नहीं जाती, वो थोड़ा सा पाथ अपना ऐसा कंप्लीट करती है, मतलब वो ऐसा इंक्रीज होती है, थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट उसे लगता है, मतलब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हम जीरो नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कुछ नैनो सेकंड पिको सेकंड कुछ ना कुछ तो टाइम होगा, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा जीरो से वन जाने के लिए, तो यहाँ जीरो से वन जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है, तो हम डायरेक्टली ये रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसी सीधी सीधी जीरो टू वन डायरेक्टली जाते, तो इसका मतलब थियोरेटिकली तो हम ऐसा रिप्रेजेंट करते, आइडियली हम टाइम कांस्टेंट को जीरो मानते हैं, लेकिन आइडियली मानते, प्रैक्टिकली टाइम कांस्टेंट जीरो नहीं होता, तो वेवफॉर्म थोड़ी सी ऐसी होती है, बराबर है, मतलब ऐसी ऊपर जाती है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एज, अगर ऊपर से नीचे से ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो वो होगी आपकी पॉजिटिव एज, मतलब ये आपकी पॉजिटिव एज हुई, यहाँ ये पॉजिटिव एज हुई, यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहे ये पॉजिटिव एज हुई, यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहे पॉजिटिव एज, और निगेटिव एज मतलब अपर लेवल टू लोअर लेवल जब आती है तो वो होती है निगेटिव एज, ये आपकी सारी निगेटिव एजेस हो गई, देखो अपर टू लोअर आप आ रहे हैं, बराबर है, अपर टू लोअर आएंगे तो वो निगेटिव एज होगी, तो यहां से आपको ये रिप्रेजेंट हो गया कि पॉजिटिव एज एंड निगेटिव एज क्या होता है, तो ये एज इसे हम कहते हैं, ये एक एज है पॉजिटिव एज, ये क्या है नीचे आ रही है तो ये निगेटिव एज है, ऐसा आपको यहाँ से तुरंत पता चल गया होगा अभी, तो यहाँ से आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव एज ट्रिगर क्या है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, तो देखो पॉजिटिव एज ट्रिगर का क्या मतलब है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर में हमने क्या देखा था कि पॉजिटिव लेवल जब आती है, ये ऊपर वाली पॉजिटिव लेवल जब आती है, मतलब जब क्लॉक की वैल्यू वन है हाफ पीरियड के लिए, तो उस समय के लिए सर्किट आपका एक्टिवेट था, एस एंड आर के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट में चेंजेस दिखाई दे रहे थे पॉजिटिव लेवल पे, ऐसा हमने वहां देखा था, बराबर है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि फ्लिप फ्लॉप हमारा एक सिंक्रोनस सर्किट है जो क्लॉक के साथ आपका सिंक्रोनाइज है, क्लॉक डिसाइड कर रहा है सब कुछ, ये तो मैंने आपको बता ही था, बराबर है, तो पॉजिटिव एज का क्या मतलब है, पॉजिटिव एज का ये मतलब है कि जब आपकी क्लॉक ट्रांजिशन करेगी जीरो टू वन, मतलब ये टाइम पीरियड, सिर्फ इतना टाइम पीरियड, वो बहुत ही स्मॉल होगा, नैनो सेकंड पिको सेकंड में वो होगा, बहुत ही स्मॉल टाइम, प्रैक्टिकली वो बहुत स्मॉल टाइम होगा, हम आइडियली तो इसे जीरो ही मान रहे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ टाइम एग्जिस्ट करेगा जीरो टू वन जाने के लिए, तो वो जो एज रहेगी, तो एज जब आ रही है तो एज आकर चली भी जाएगी, इतना कम टाइम लगेगा, तो वो नैनो सेकंड या पिको सेकंड कुछ ना कुछ टाइम तो होगा जीरो टू वन जाने के लिए, तो वो जो समय होता है उतना सा समय, बहुत ही कम टाइम होता है, तो जब क्लॉक ट्रांजिशन करती है उस बहुत ही कम समय में जीरो टू वन, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एज, मतलब उतना ही टाइम पीरियड आपका पॉजिटिव एज होगी, क्योंकि उतने ही टाइम पीरियड के लिए जीरो टू वन जाने के लिए कितना टाइम लगता है, एकदम नैनो सेकंड या पिको सेकंड लगेगा यह जाने के लिए, तो वो टाइम आपकी पॉजिटिव एज रहेगी, उतनी ही पॉजिटिव एज आपकी आ रही है यहाँ क्लॉक में, ऐसा हम कह सकते, बाकी फिर एक बार वो जीरो टू वन पूरा का पूरा यहां तक आ गया, बाद में तो उसे पॉजिटिव लेवल मिली, तो ये तो पूरी पॉजिटिव लेवल है ना, यहां से ये यहां तक ये तो पूरी पॉजिटिव लेवल है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो ऐसी आपकी एज होती है प्रैक्टिकली, तो वो आपकी जो एज होगी जीरो टू वन जाने के लिए वो बहुत ही कम समय लेगी जीरो टू वन जाने के लिए, तो जितना वो समय लेगी उतना ही वो एज रहेगा उसका, मतलब वो होगी पॉजिटिवली एज, बराबर है, तो पॉजिटिव एज आपको पता चल गया यहां से कि जब क्लॉक ट्रांजिट करती है जीरो टू वन, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एज, तो नैनो सेकंड या पिको सेकंड टाइम लगता है, उस पॉजिटिव एज उतनी होती है नैनो सेकंड या पिको सेकंड टाइम के लिए, बराबर है, तो जीरो टू वन अगर वो ट्रांजिट करती है तो वो होगी पॉजिटिव एज, ये लिख लो आप आपके नोटबुक में, और वन टू जीरो, यहाँ वन है यहाँ जीरो है, वन टू जीरो अगर आ रही है तो वो होगी आपकी निगेटिव एज, वन टू जीरो अगर आ रही है तो वो क्या होगी आपकी निगेटिव एज होगी, बराबर है, तो फिर पॉजिटिव एज ट्रिगर क्या मतलब है, मतलब पॉजिटिव ट्रिगर का मतलब क्या है, फिर पॉजिटिव एज निगेटिव एज तो मैंने बता दिया क्या है, बराबर है, तो पॉजिटिव ट्रिगर एज का मतलब क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर का मतलब क्या है, तो देखो ये आपकी क्लॉक की साइकिल है, बराबर है, ये क्लॉक की साइकिल आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब आपकी क्लॉक ट्रांजिशन कर रही है जीरो टू वन, जीरो टू वन ऐसा ट्रांजिशन कर रही है, तो उतने टाइम के लिए ही आपकी पॉजिटिव एज एग्जिस्ट कर रही है, ये तो आपको पता चल गया, मतलब फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम आपकी पॉजिटिव एज एग्जिस्ट कर रही है, बाद में क्या होगा वो तो वन लेवल पे चली जाएगी, वन लेवल पे
वो चली जाएगी बाद में, बराबर है। तो जीरो से वन में जब आपका ट्रांजिशन हो रहा है सिर्फ उतने ही टाइम के लिए ये पॉजिटिव एज अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो आपका सर्किट, आपका ये जो सर्किट है वो अगर पॉजिटिवली एज ट्रिगर है, ये देखो पहला वाला सर्किट आपका पॉजिटिवली एज ट्रिगर है, तो आपका सर्किट जब पॉजिटिवली एज ट्रिगर है तो जब आपकी क्लॉक ट्रांजिशन करती है जीरो टू वन, तो उतने ही टाइम के लिए ये क्लॉक एक्टिवेट होता है, उतने ही टाइम के लिए ये क्लॉक आपका एक्टिवेट होता है। मैं फिर से बताता हूं, जीरो टू वन आपकी एज है, बराबर है, जीरो टू वन जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतनी आपकी पॉजिटिव एज है, तो वो पॉजिटिव एज जहां तक चलेगी, मतलब वो कई एक आपका एक नैनो सेकंड के लिए आएगी, नहीं तो एक पिको सेकंड के लिए आएगी, ऐसा हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उतने ही समय के लिए ये क्लॉक आपका एक्टिवेट होगा और फिर उतने ही समय के लिए इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट में चेंजेस दिखाई देगी, सिर्फ उतने समय में। बाद में एक बार उसने उसकी पॉजिटिव लेवल पकड़ ली, तो फिर ये अगर पॉजिटिवली आपकी एज ट्रिगर सर्किट है, पॉजिटिवली एज ट्रिगर, और एक बार उसने पॉजिटिव लेवल पकड़ ली क्लॉक ने, तो फिर उसका क्या काम, पॉजिटिव लेवल पे वो ऑपरेशन नहीं करेगा। अगर ये पॉजिटिवली एज ट्रिगर सर्किट है तो सिर्फ एज जब आ रही है वो तभी ऑपरेशन कर सकता है। तो पॉजिटिवली एज ट्रिगर सर्किट होगा तो पॉजिटिव एज जब आएगी तो उतने ही टाइम पीरियड के लिए ये क्लॉक एक्टिवेट होगा एंड एस एंड आर के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। बाद में एक बार वो एज चली गई, बाद में आपकी अगर पॉजिटिवली एज ट्रिगर सर्किट है तो जीरो टू वन हम जा रहे, बाद में लेवल आ जाएगी ये पॉजिटिव लेवल, वहां सर्किट एक्टिवेटेड नहीं रहेगी, फिर एस एन आर में आप कुछ भी इनपुट अप्लाई करो यहां आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। इस पॉजिटिव एज में आपका आउटपुट एक बार आ गया होगा, बराबर है, यहां पॉजिटिव एज में आपका आउटपुट आ जाएगा, बाद में आप कुछ कोई भी इनपुट लगाओ एस एन आर में, उसके अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्शन आउटपुट में नहीं मिलने वाला, क्योंकि एज आपकी खत्म हो गई है। तो पॉजिटिव एज तक ही आपको यहां इनपुट आप अप्लाई किया है तो उसके अकॉर्डिंग तभी आपका कुछ समय के लिए क्लॉक एक्टिवेट होगा, उसके अकॉर्डिंग क्यू एंड क्यू बार में आपको आउटपुट मिलेगा, बाद में पॉजिटिव लेवल आएगी, पॉजिटिव लेवल में कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा आउटपुट में, बाद में फिर निगेटिव एज आएगी। तो ये अगर पॉजिटिवली एज सर्किट है तो निगेटिव एज में तो वो एक्टिवेट होगा नहीं, तो निगेटिव एज में भी वो एक्टिवेट नहीं होगा, बाद में फिर से आपकी लो लेवल की एज आएगी। मतलब ये पॉजिटिव एज है तो ये निगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव लेवल है तो ये आपकी जीरो लेवल, मतलब ये निगेटिव लेवल है तो बाद में निगेटिव लेवल आएगी, लेकिन आपका पॉजिटिवली एज ट्रिगर सर्किट है तो पॉजिटिव लेवल हो या निगेटिव लेवल वो तो एक्टिवेट नहीं होने वाला एट दैट टाइम, तो यहां भी वो एक्टिवेट नहीं करेगा। बाद में यहां देखो फिर से पॉजिटिव एज आ रही है, जब ये पॉजिटिव एज आपकी आ रही है जीरो टू वन, तो पॉजिटिव एज के लिए उतने समय के लिए जीरो टू वन जाने के लिए जितना समय लगता उतने समय के लिए क्लॉक आपका एक्टिवेट होगा और फिर एस एंड आर इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट में चेंज मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। मतलब देखो यहां से आपकी एक साइकिल स्टार्ट हुई, यहां से क्लॉक की एक पीरियड आपका, एक टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हुआ, इतना आपका मान लो टाइम पीरियड है टी, बराबर है, तो ये आपका टाइम पीरियड यहां से आपका स्टार्ट हुआ क्लॉक का, तो एक टाइम पीरियड पूरा फिनिश हो गया, तो एक टाइम पीरियड में एक ही बार आपको चेंज दिखाई दिया आउटपुट में, एक टाइम पीरियड के लिए आपको आउटपुट में एक ही बार चेंज दिखाई दिया, क्योंकि एक टाइम पीरियड में एक ही बार आपको पॉजिटिव एज दिखाई दी। अगर मैं पॉजिटिव एज की बात कर रहा हूं तो निगेटिव एज आप समझ लेना पॉजिटिव के पूरे रिवर्स वे में चलेगी, बराबर है, तो पॉजिटिव एज आपकी आ रही है एक टाइम पीरियड में, मतलब एक क्लॉक के पीरियड में एक ही बार पॉजिटिव एज आ रही है, तो पॉजिटिव एज वो भी बहुत ही कम समय के लिए आ रही है, बहुत ही कम समय, मतलब वो एक नैनो सेकंड हो सकता है, नहीं तो एक पिको सेकंड हो सकता है, बराबर, एकदम कम समय रहता है, इतना कम समय वो रहता है कि आपका ये सर्किट का जो डिले होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, ये डिले वो भी इससे ज्यादा होता है। मान लो इस एसआर फ्लिप फ्लॉप का डिले है आपका 3 नैनो सेकंड मान लो, और ये एज आ रही है आपकी 1 नैनो सेकंड के लिए, ये एज आपकी 1 नैनो सेकंड के लिए आ रही है पॉजिटिव एज, तो 1 नैनो सेकंड के लिए ये क्लॉक आपका एक्टिवेट होगा। अगर आपने एस एंड आर में वहां पहले से 01 अप्लाई किया हुआ है तो 01 के अकॉर्डिंग आउटपुट में आपको 01 ही मिलता है, आपको पता है एसआर फ्लिप फ्लॉप का टेबल याद करो, 01 के अकॉर्डिंग आपको बाद में आउटपुट 01 मिलेगा, पहले कुछ प्रेजेंट होगा, पहले 10 प्रेजेंट होगा, नहीं तो 01 कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, अभी जो आपको दिख रहा है प्रेजेंट आउटपुट तो वो पहले से प्रेजेंट होगा, लेकिन क्लॉक जो आपका अप्लाई होगा वो कुछ 1 नैनो सेकंड के लिए अप्लाई होगा,
होगा अगर मैंने एक नैनो सेकंड एग्जाम्पल में लिया है तो एक नैनो सेकंड के लिए मेरा क्लॉक अप्लाई हुआ, अगर यहाँ एस एंड आर इनपुट 0 एंड 1 थे तो एक नैनो सेकंड में आपका ये क्लॉक एक्टिवेट हुआ एक नैनो सेकंड के लिए, और उसके 3 नैनो सेकंड बाद, क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप का डिले है 3 नैनो सेकंड, तो उसके 3 नैनो सेकंड बाद आपको यहाँ आउटपुट दिखाई देगा जब आपका क्लॉक एक्टिवेटेड था तो इस क्लॉक एंड एस एंड आर के इनपुट की मदद से बाद में आउटपुट तो अलग प्रोड्यूस होने वाला है इस एस एंड आर के अकॉर्डिंग, तो एस एंड आर के इनपुट के अकॉर्डिंग 01 के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट 01 ही मिलता है, तो बाद में यहाँ 01 प्रोड्यूस होगा, तो ये आपका नेक्स्ट आउटपुट होगा जो आपको 3 नैनो सेकंड के बाद मिलेगा पॉजिटिव एज ट्रिगर सर्किट में। तो 3 नैनो सेकंड के बाद वो आउटपुट मिलेगा, तब तक तो आपकी ये पॉजिटिव एज चली जाएगी यहां से, क्योंकि ये 1 नैनो सेकंड के लिए ही एग्जिस्ट कर रही है तो वो तो चली जाएगी, बराबर है। मतलब बाद में 3 नैनो सेकंड, मतलब मान लो ये आपका टाइम है 3 नैनो सेकंड, यहां तक आते आते 3 नैनो सेकंड टाइम लगा ऐसा मान लो, तो यहां आते आते 3 नैनो सेकंड का टाइम लगा, यहां आपको वो आउटपुट मिलेगा। तो ये आउटपुट तो ये क्यू क्यू बार होल्ड करेगी कि नहीं, ये आउटपुट तो वैसा का वैसा ही होल्ड करके रखेंगे जब तक आपकी अभी पॉजिटिव नेक्स्ट लेवल आपकी पॉजिटिव एज आपकी नेक्स्ट जब तक नहीं आती, ये पॉजिटिव एज तो अगले वाले क्लॉक पीरियड पे आएगी, तो अगले वाले क्लॉक पीरियड तक यहां अगर आपने 10 इनपुट अप्लाई किया हुआ है तो ये 10 इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपका कब रिफ्लेक्ट होगा, इस एज में, अगली वाली क्लॉक पीरियड की जब एज आएगी तब रिफ्लेक्ट होगा, तब तक आपको यही आउटपुट दिखाई देगा जो पहली वाली एज के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हुआ था, 01 प्रोड्यूस हुआ था तो 01 ही देखने को मिलेगा। अगर यहां आपने बाद में 10 लगाया भी तो 10 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट यहां रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक आपका यहां आपकी क्लॉक पीरियड जो है आपका, तो पूरा एक क्लॉक पीरियड आपका कंप्लीट नहीं होता और नेक्स्ट क्लॉक पीरियड में आपकी नेक्स्ट पॉजिटिव एज जब तक नहीं आती तब तक ये 10 के अकॉर्डिंग आउटपुट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जब तक वो 01 नहीं दिखाई देगा। तो अभी जब नेक्स्ट पॉजिटिव एज आपका आएगा, तो नेक्स्ट पॉजिटिव एज जब आएगा तब ये 01 आपके लिए प्रेजेंट आउटपुट रहेगा और 10 आपके लिए अभी प्रेजेंट इनपुट रहेगा, ये आपने अभी अप्लाई किया है। तो ये पॉजिटिव एज जब आएगी ये फिर से एक नैनो सेकंड के लिए आएगी मान लो, तो फिर से एक नैनो सेकंड के लिए क्लॉक एक्टिवेट होगा और इस 10 के अकॉर्डिंग 3 नैनो सेकंड बाद यह रिफ्लेक्शन आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, क्योंकि 10 के अकॉर्डिंग आपका क्यू क्यू बार 10 होता है, आपको पता है एसआर फ्लिप फ्लॉप का यही आउटपुट है। तो ये ऐसा ऑपरेशन हो रहा है, मतलब यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, यहां से आपको क्या पता चल रहा है अच्छे से बताओ मुझे। यहां से हमें एक बात अच्छे से पता चल रही है कि अगली पॉजिटिव एज एक क्लॉक टाइम पीरियड के बाद आएगी, एक बार आने के बाद, यहां से तो हमें पता चल गया यहां आई तो बाद में यहां आई, बराबर है। तो ध्यान से देखो क्या होगा, एज एग्जिस्ट कर रही है एक नैनो सेकंड के लिए फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, और मान लो कि फ्लिप फ्लॉप का डिले आपका 3 नैनो सेकंड था तो पॉजिटिव एज आपकी सिर्फ 1 नैनो सेकंड के लिए एग्जिस्ट करेगी, ये मैंने आपको बताया। आपने इनपुट अप्लाई करके रखा था, यहाँ इनपुट अप्लाई करके रखा था 1001 कुछ भी दे सकते, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे पॉजिटिव एज आपको मिला सर्किट आपका एक्टिवेट होगा, तो फिर यहाँ 01 दिया होगा तो 01 के अकॉर्डिंग 01 प्रोड्यूस होगा, 10 दिया होगा तो 10 प्रोड्यूस होगा, बराबर है। बाद में क्या होगा, बाद में करस्पॉन्डिंग आपका नेक्स्ट आउटपुट वहां स्टोर हो जाएगा, ये नेक्स्ट आउटपुट आपका आ गया वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो फिर चेंज नहीं होगा। बाद में आपने कितना भी इनपुट चेंज किया फिर भी आपका आउटपुट चेंज नहीं करेगा जब तक आपकी नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आती, तब तक वो आउटपुट वैसा ही पड़ा रहेगा जो आपको पहले मिला है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि अगली बार फ्लिप फ्लॉप आपका अगली क्लॉक में ही एक्टिव होगा, या एक क्लॉक आपकी कंप्लीट हो गई क्लॉक पीरियड, तो अगली क्लॉक में ही आपका फ्लिप फ्लॉप फिर से एक्टिवेट हो सकता है, तब तक वो एक्टिवेट नहीं हो सकता है। बाद में आपने ये एज आने के बाद यहां अगर यहां इस टाइम के लिए 3 नैनो सेकंड टाइम पीरियड t = 0 to 3 नैनो सेकंड अगर टाइम चल रहा है और वहां आपने ये चेंज कर दिया इनपुट, फिर भी आपको कोई रिफ्लेक्शन आउटपुट में नहीं मिलेगा जब तक आपकी ये क्लॉक एक्टिवेट नहीं होती, और क्लॉक फिर से एक्टिवेट नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे ही होने वाली है। तो एक क्लॉक में आपका आउटपुट एक ही बार अगर चेंज हो सकता है, एक क्लॉक में आपका आउटपुट एक ही बार चेंज हो सकता है एज ट्रिगरिंग में, ये यहां से आपको पता चल गया, बराबर है। तो पॉजिटिव एज हो या निगेटिव एज एक ही बार आएगा एक क्लॉक पीरियड के लिए, मतलब यहां अगर निगेटिव एज होती
तो निगेटिव एज ट्रिगर सर्किट में भी वही फेनोमेनॉन होता है जैसा यहाँ हो रहा है। निगेटिव एज ट्रिगर सर्किट में निगेटिव एज आती तो एक क्लॉक पीरियड में एक ही बार निगेटिव एज आ रही है, तो उस निगेटिव एज के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। बाद में एक क्लॉक पीरियड के बाद जो निगेटिव एज आएगी वहां आपको फिर बाद में इस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। तब तक वही आउटपुट आपका स्टोर होगा, तब तक आपका वही आउटपुट वहां पड़ा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बराबर है। तो एज एग्जिस्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि एज जो आती है वो आपका सर्किट का जो डिले टाइम होता है उससे भी कम टाइम के लिए एज आती है, ये यहां से पता चल गया। तो एज एग्जिस्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, दैट टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू टाइम डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यहां से आपको पता चल गया, बराबर है। तो यहां से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आपकी एक क्लॉक पीरियड के बाद ही फिर आपको चेंजेस दिखाई दिए एक बार आपके चेंजेस हो गए। तो ऐसा हो रहा है आपका एज ट्रिगर सर्किट में। लेकिन मान लो अगर मेरा ये लेवल ट्रिगर सर्किट होता तो क्या होता। लेवल ट्रिगर सर्किट में देखो, लेवल ट्रिगर सर्किट में क्या होता है, देखो अभी मैं लेवल ट्रिगर सर्किट का आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। अभी देखो अगर आपका पॉजिटिवली लेवल ट्रिगर सर्किट होता जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, तो पॉजिटिवली लेवल ट्रिगर सर्किट में देखो ये जो पॉजिटिव लेवल आ रही है, तो इस पॉजिटिव लेवल जब तक आपकी यहाँ आपकी पॉजिटिव लेवल आपको दिखाई दे रही है, तो जब तक पॉजिटिव लेवल है तब तक ये क्लॉक आपका एक्टिवेट रहेगा और इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में आपको चेंजेस दिखाई देंगे, बराबर है। तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये तो एज थी, तो पॉजिटिव एज का जो टाइम है इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव लेवल का टाइम तो बहुत ज्यादा है ना। तो इसका टाइम मान लो मैं 8 नैनो सेकंड मान लेता हूँ, और सर्किट का तो डिले 3 नैनो सेकंड है, आपका फ्लिप फ्लॉप का डिले टाइम डिले 3 नैनो सेकंड है, बराबर है। तो यहाँ अगर आपने 10 करस्पॉन्डिंग आपने इनपुट लगाया है और पॉजिटिव लेवल जब आएगी तो आपका सर्किट एक्टिवेट होगा, क्योंकि क्लॉक तब एक्टिवेट होगा, तो सर्किट एक्टिवेट होगा, फिर 10 के करस्पॉन्डिंग 10 आउटपुट आपको मिलेगा। और मान लो कि 8 नैनो सेकंड तक आपकी ये पॉजिटिव लेवल चल रही है ऐसा मान लो, और आपको आउटपुट 3 नैनो सेकंड बाद ही 10 मिला, मतलब यहाँ कहीं तो 3 नैनो सेकंड टाइम रहेगा, 3 नैनो सेकंड यहाँ तक हम आ गए, यहाँ 3 नैनो सेकंड हो गए, 5 नैनो सेकंड तो हमारे पास बचे। तो इस 5 नैनो सेकंड में अगर आपने यहाँ 01 इनपुट अप्लाई किया इसी 5 नैनो सेकंड में, तो 01 के करस्पॉन्डिंग यहाँ आउटपुट 01 चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब ये ज्यादा टाइम के लिए आपकी पॉजिटिव लेवल आती है पॉजिटिव लेवल ट्रिगर सर्किट में, अगर निगेटिव होता तो ज्यादा टाइम के लिए निगेटिव लेवल भी आ सकती है एज कम्पेयर टू एज। तो एज के कंपैरिजन में लेवल आपकी ज्यादा टाइम के लिए आती है, तो तब तक अगर आपने इनपुट चेंज कर दिया और जब अगर आपका क्लॉक तभी तब तक एक्टिवेटेड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट दो बार भी चेंज होते हुए दिखाई देगा एक क्लॉक साइकिल में, अगर ये लेवल ट्रिगर सर्किट होगा तो। तो लेवल ट्रिगर सर्किट में पॉसिबिलिटी है कि आउटपुट आपका चेंज कर सकता है मोर देन वन टाइम्स इन अ सिंगल क्लॉक पीरियड, एक क्लॉक पीरियड में मोर देन वन टाइम आपका आउटपुट चेंज कर सकता है लेवल ट्रिगर में, ऐसा आपको यहां से पता चल गया। प्रोवाइडेड दैट ये लेवल का जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा होना चाहिए, यहां लेवल का पीरियड ये 8 नैनो सेकंड है पॉजिटिव लेवल का पीरियड। अगर लेवल का पीरियड मान लो 2 नैनो सेकंड होता, तो 2 नैनो सेकंड होता तो ये 3 नैनो सेकंड तो उसे इसका ही टाइम डिले, तो यहाँ का आउटपुट यहाँ रिफ्लेक्ट होने के लिए 3 नैनो सेकंड लग रहे, तो ये 2 नैनो सेकंड तो तब तक चले गए होंगे, बराबर है। तो बाद में अगर आपने 01 की जगह यहाँ 10 अप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा बाद में, क्योंकि वो 2 नैनो सेकंड की ही लेवल थी, लेवल का टाइम ज्यादा होना चाहिए। अगर वो होगा तो आपको 1-2-3 बार ज्यादा टाइम भी आउटपुट रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा, अगर आप बार बार उस टाइम पीरियड में आपका इनपुट अगर चेंज करते हो तो। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि लेवल ट्रिगरिंग में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आउटपुट आपका चेंज कर सकता है मोर देन वन टाइम्स, आउटपुट मोर देन वन टाइम आपका चेंज कर सकता है एक क्लॉक पीरियड में बाय चेंजिंग द इनपुट कंडीशन। इनपुट कंडीशन अगर चेंज करेंगे तो हमारा चेंज हो सकता है। लेवल अगर ज्यादा टाइम के लिए हाई होगा देन एंड ओनली देन ये पॉसिबल हो सकता है, अगर लेवल कम टाइम के लिए होगा तो फिर वहां भी एक क्लॉक पीरियड में एक ही बार आउटपुट रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा, बाद में वो अगले वाले ही क्लॉक पीरियड में दिखाई होगा। अगला वाला लेवल का
कब आएगा, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होगा, तो यहाँ पॉजिटिव लेवल आता है तो बाद में ये एक क्लॉक पीरियड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्लॉक पीरियड में ही आपका पॉजिटिव लेवल आएगा, तो फिर वहां ही आपका आउटपुट रिफ्लेक्ट हो सकता है। लेकिन एज का क्या होता है, एज में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एज आती है, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अगर एज आ रही है तो तब तक आपका इनपुट आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बार बार आपका आउटपुट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। एक बार जो आउटपुट आया वही आउटपुट होल्ड होगा, बाद में फिर अगला वाला क्लॉक पीरियड आएगा तब आउटपुट चेंज हो सकता है, अगर आपने इनपुट को चेंज किया तो। ठीक है, तो यहां से पूरा लेवल एंड एज ट्रिगरिंग का कंसेप्ट डिटेल में आपको अगर पता चल गया होगा तो आपको आगे जाके कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे मैं जेके फ्लिप फ्लॉप लेने वाला हूँ, रेस अराउंड कंडीशन मुझे लेना है, बहुत डिटेल में देखेंगे, अगर ये पूरा आपको क्लियर है तो ही वो अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। तो इसमें फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में तुरंत पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। लेवल एंड एज ट्रिगर में अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने ये डिफ्रेंशिएट करके आपको बताया। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके कुछ मैं आपको दे देता हूं, वो पॉइंट आपके नोटबुक में होने चाहिए, देन एंड ओनली देन आप रिमेंबर कर पाएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे बाद में, बराबर है। तो यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं। एज ट्रिगरिंग के लिए ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये लेवल ट्रिगरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों पॉइंट्स आपके नोटबुक में होना चाहिए क्योंकि यही बाद में कंक्लूजन निकल कर आ रहा है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसका। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है देखो, इन केस ऑफ एज ट्रिगरिंग आउटपुट कैन चेंज ओनली वंस इन अ सिंगल क्लॉक, एक क्लॉक पीरियड में आउटपुट एक ही बार चेंज हो सकता है एज ट्रिगरिंग में। देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट आउटपुट कैन चेंज मोर देन वंस इन अ सिंगल क्लॉक, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि सिंगल क्लॉक पीरियड में, एक क्लॉक पीरियड में आउटपुट मोर देन वन चेंज होगा, कहा एज ट्रिगरिंग में, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम होता है एज का। अभी देखो, इन केस ऑफ एज ट्रिगरिंग सर्किट इज ट्रिगर्ड फॉर वेरी स्मॉल टाइम, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए सर्किट हमारा ट्रिगर होता है, यही हमने देखा। दैट इज व्हेन क्लॉक इज टेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0, 0 to 1 ट्रांजिशन पॉजिटिव लेवल पॉजिटिव एज ट्रिगर के लिए होगा और 1 to 0 निगेटिव एज ट्रिगर के लिए होगा, बराबर है। तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, एंड दिस एज एग्जिस्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम, बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करेगी, एंड दैट्स वाई सर्किट इज ट्रिगर फॉर वेरी स्मॉल टाइम, तो बहुत स्मॉल टाइम के लिए सर्किट ट्रिगर हो सकता है एज ट्रिगरिंग में। और लेवल ट्रिगरिंग में हमने क्या देखा, इन केस ऑफ लेवल ट्रिगरिंग इट कैन बी पॉसिबल दैट आउटपुट कैन चेंज मोर देन वंस इन अ सिंगल क्लॉक, एक सिंगल क्लॉक पीरियड में आउटपुट एक से ज्यादा बार चेंज हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट लेवल इज हाई और लो फॉर लार्जर टाइम। अगर लेवल आपका पॉजिटिव लेवल होगा तो हाई लेवल आपकी होनी चाहिए लार्जर टाइम के लिए, अगर निगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होगा तो लो लेवल होनी चाहिए लार्जर टाइम के लिए। अगर ये पॉसिबल है तो ही हमारा आउटपुट बार बार वहां रिफ्लेक्ट हो सकता है एक क्लॉक पीरियड में। ठीक है, तो यहां से ये बहुत ही डिटेल हमने ये पॉइंट लिखे, डिटेल में मैंने ये सारा डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूं ये सारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बराबर है। क्योंकि देखो पूरा डिटेल में मैं पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पूरा डिटेल में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखते रहो, स्टे सेफ एंड टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।